खाता धारक की मौत के बाद अकाउंट में जमा पैसा किसका? मृत व्यक्ति के बैंक में रखे पैसों पर किसका होता है अधिकार? बैंक खाता धारक की मृत्यु होने पर उसके अकाउंट में जमा रकम किसे मिलती है? अगर किसी मृत व्यक्ति के खाते में पैसे हैं और आप उसके खाते से पैसा निकालना चाह रहे हैं तो आपके लिए बैंक का नियम जान लेना जरूरी है। अपने मेहनत की कमाई को सुरक्षित जगह रखने के लिए बैंक को एक अच्छा जरिया माना जाता है। बैंक एक ऐसी जगह है जहां आपका पैसा सुरक्षित तो रहेगा ही, साथ ही उस पर आपको ब्याज भी मिलेगा। ऐसे में बैंक में रखा पैसा आपकी एक्स्ट्रा कमाई भी करा सकता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि किसी मृत व्यक्ति के खाते में रखे पैसे का क्या होता है? क्या वो पैसा निकाल लेना चाहिए या बैंक को ही उस पैसे का हकदार घोषित कर देना चाहिए? अधिकतर लोग अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी बैंकों में जमा करते हैं। ऐसे में बैंक से जुड़े सभी प्रमुख नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि बैंक खाता धारक की मृत्यु होने पर उसके अकाउंट में जमा रकम किसे मिलती है। मृत व्यक्ति के संबंध में बैंक के 3 नियम है। किसी अकाउंट होल्डर की मौत होने पर उसके खाते में जमा रकम किसे मिलेगी, इसे लेकर नियम बिल्कुल स्पष्ट है। आप जब किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो अपने नॉमिनी की डिटेल्स देते हैं और बैंक नॉमिनी के डिटेल्स को अपने फाइलों में दर्ज कर लेते हैं। ऐसे में डिपॉजिटर की मौत होने पर उसके अकाउंट में जमा रकम नेचुरल तौर पर नॉमिनी को मिल जाती है। जब भी आप कोई नया बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो बैंक की ओर से हमेशा आपसे नॉमिनी को लेकर जानकारी ली जाएगी। अगर कभी दुर्घटना का प्राकृतिक तौर पर किसी की मौत हो जाती है तो मृत व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाया होगा उसे ये पैसा मिल जाता है। नॉमिनी के नहीं रहने पर बैंक अकाउंट में जमा रकम डिपॉजिटर के कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी को मिल जाती है। इस केस में जो व्यक्ति अकाउंट में जमा रकम को लेकर क्लेम करता है उसे खाता धारक की वसीयत बैंक को देनी होती है। वसीयत नहीं होने पर परिवार के सदस्यों को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र सक्सेशन सर्टिफिकेट देना होता है। यह एक खास दस्तावेज होता है जिसकी मदद से मृतक व्यक्ति के वारिस की पहचान की जाती है। यह काफी कॉम्प्लेक्स और लंबी कानूनी प्रक्रिया है। इसके जरिए पैसे क्लेम करने में काफी समय लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जॉइंट अकाउंट है तो खाते में मौजूद राशि को दूसरा व्यक्ति आसानी से निकाल सकता है। ऐसी स्थिति में मरने वाले व्यक्ति का नाम अकाउंट से हटाने के लिए उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी बैंक की ब्रांच में जमा करनी होगी। इसके बाद मृत व्यक्ति का नाम जॉइंट अकाउंट से हटा दिया जाएगा। अगर कोई नॉमिनी है तो बैंक खाते में मौजूद राशि उसके खाते में दे दी जाएगी। पैसा देने से पहले बैंक एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है, साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र की ओरिजिनल कॉपी को भी जांचता है। पैसा मिलने के बाद बैंक 2 गवाह मांगता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पैसा असली नॉमिनी को दिया गया है। एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे इस बात की जानकारी अपने परिवार के सदस्यों को देनी चाहिए। बैंक खाते से लेकर इंश्योरेंस और पीएफ खातों में स्पष्ट तौर पर नॉमिनी की जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा अपने सभी डॉक्यूमेंट भी इस तरीके से रखना चाहिए कि परिवार के सदस्यों को उन्हें ढूंढने में दिक्कत ना हो।
अगर खाते का कोई नॉमिनी नहीं है तो जिस व्यक्ति को पैसे चाहिए उसे लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उस व्यक्ति को विल या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देना होगा। इससे ये साबित होगा कि मरने वाले का पैसा उसे मिलना चाहिए। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सक्सेशन सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मरने वाले व्यक्ति के वारिस को दिया जाता है। अगर मरने वाला कोई व्यक्ति कोई वसीयत ना छोड़कर ना गया हो, अपने बैंक खाते में ध्यान से नॉमिनी जोड़ना चाहिए ताकि आपके जाने के बाद आपका कोई अपना उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। माता पिता, बच्चे, पति पत्नी या भाई बहन को बनाया जा सकता है नॉमिनी। आप अपने बैंक खाते के लिए अपने माता पिता, बच्चे, पति पत्नी या भाई बहन को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं। आप जिस व्यक्ति को अपने खाते के लिए नॉमिनी बनाते हैं उस व्यक्ति को ही आपकी मृत्यु के बाद आपके खाते में जमा सारी रकम आसानी से दे दी जाती है। लाइफ इंश्योरेंस में आप एक से अधिक नॉमिनी को शामिल करने के साथ उनका हिस्सा भी तय कर सकते हैं। आपको अपने स्टॉक निवेश में नॉमिनेशन के लिए डीमैट और डीपी खाते में नॉमिनी का विवरण रजिस्टर करना होगा। कई लोग बैंक खाते में नॉमिनी का महत्व नहीं जानते हैं। किसी भी बैंक खाते में नॉमिनी की डिटेल्स इसलिए भरी जाती है ताकि खाताधारक अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद उसके खाते में जमा सारी रकम नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के बैंक खाते में नॉमिनी की डिटेल्स नहीं भरी जाती है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके बैंक खाते में जमा पैसों को निकालने में बहुत दिक्कतें होती हैं। अगर आपने अपने बैंक खाते में किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी नहीं बनाया है तो बिना देरी किए किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना लें। अपने बैंक खाते का नॉमिनी बनाने के लिए आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बैंक की ब्रांच में जाकर भी अपने बैंक खाते के लिए किसी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं।